हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों की अटकलों के बाद अब विनेश फोगाट और राहुल गांधी की मुलाकात की खबर आई है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। दोनों पहलवानों और राहुल गांधी के मुलाकात की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री ले सकती है। दरअसल साल 2023 से चल रहे भारतीय पहलवानों के विरोध का कारण भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह थे। पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया था। इस समय से ही पहलवानों की बीजेपी से नाराजगी साफ नजर आ रही थी। वहीं पेरिस ओलंपिक गेम्स में बड़ी निराश हाथ लगने के बाद जब पहलवान विनेश फोगाट देश वापस आई तो हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें खुद दिल्ली एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव किया। इसके बाद उनके गांव तक रोड शो में भी साथ दिया। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर बलाली पहुंचने तक विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई कांग्रेसी नेता रहे। चुनाव लड़ने की बात करें तो जब चुनाव कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं से ये सवाल किया गया था कि क्या विनेश फोगाट भी पार्टी ज्वाइन करने वाली है, तो इस बात का जवाब न देकर कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा था कि एक दो दिन में सारा फैसला हो जाएगा। पार्टी नेता दीपक बाबरिया ने भी फोगाट के शामिल होने की अटकलों का खंडन नहीं किया था। वहीं अब माना जा रहा है कि बजरंग पुनिया को बादली सीट से टिकट मिल सकता है। इस सीट से कांग्रेस के कुलदीप वत्स इस समय विधायक हैं। वहीं विनेश फोगाट अगर लड़ती हैं तो उन्हें कांग्रेस बारडा या जुलाना से टिकट दे सकती है। बारडा उनका घर है तो वहीं जुलाना ससुराल है।